Thank you very much. हाँ यार, बहुत टाइम लगा है इस यहाँ तक आए. लोग झिझकते हैं कि आप कितने पॉपुलर हैं कितने नहीं हैं, बट स्क्रीन अवार्ड हमेशा से राइट कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक्नॉलेज करता रहा है. एंड मुझे लगता है अवार्ड्स का कई बार क्रेडिबल होना ज़रूरी होता है, और मुझे स्क्रीन अवार्ड में आते हुए इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें एक तरह की क्रेडिबिलिटी दिखती है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग मुझे पॉपुलर एक्टर की तरह कंसिडर कर रहे हैं एंड मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं एंड नॉमिनेट कर रहे हैं. इसमें कैसा है, क्या अच्छा लग रहा है ना? छोड़ो जाने दो. See, I've been saying this that, you know, our audience is getting more and more demanding, so they need more content, and now they have started showing signs. No? मैं इस तरह से सालों को गिन नहीं पाता हूँ, सालों में डिवाइड भी नहीं कर पाता हूँ अपनी ज़िंदगी को, ना ही मैं इस तरह से देखता हूँ. और इसीलिए शायद मैं न्यू ईयर में ये भी नहीं बोलता हूँ कि अभी अगले साल कैसा हुआ क्या होगा. ज़िंदगी चल रही है, वो एक फ्लो है. जो टाइम था अच्छा था, और चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांजिशन के फेज़ में है हमारी इंडस्ट्री, एंड वी होप फॉर द बेस्ट. मेरे लिए तो मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, अपने शूज़ से बहुत स्लिपरी हैं, तो स्वैग अभी पता नहीं क्या बोलूँ. सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमें भी शुभकामनाएं दीजिए, आपको भी शुभकामनाएं. आप जहाँ हैं वहाँ से और ऊपर जाएं, तरक्की करें. आप जहाँ हैं आप भी ऊपर जाएं. अरे ये कौन जो देखने वाले हैं, वो भी सबकी ज़िंदगी यू नो सुखी हो, सफल हो, देश तरक्की करे. बट मैं बहुत खुश हूँ स्क्रीन अवार्ड्स पे आके. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट. इट्स फ्रॉम द स्काई, इट्स फ्रॉम द लैंड, एंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स है एक्ट में. मैं दो अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हूँ, बेस्ट कमेडियन एंड बेस्ट एक्टर. बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो भी दोनों डायरेक्टर्स के साथ जिनके साथ मैंने दो बार काम किया है, शशांक खेतान एंड डेविड धवन. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर फॉर मी. गॉड ब्लेस यू एंड योर कैप. स्वैग से स्वागत होने वाला एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. इस आज पार्टी वाली रात है, एंड यू आर लुकिंग लाइक यू रेडी फॉर पार्टी वाड़ी. शेक माय हैंड. Good evening to you too, sir. How's it going? You're looking well. Yeah. Yes, thank you. एक सेकेंड पहले इनको सवाल पूछने दो, ये बड़े ही अहम मेंबर हैं प्रेस के, समझे? हाँ कहिए आप. आज हमने जो परफॉर्म किया उसके बारे में कुछ बताएं. अच्छा, अभी जा रहे हैं करने के लिए, और फिर जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगा तब आप खुद को पता चल जाएगा कि कैसा परफॉर्म हुआ है. 22 तारीख का सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. काहे लिए भाई? ओ टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है. ओके, क्या बताना, क्या सुनना चाहेंगे आप? क्या जो भी हम कहना चाहें सुनेंगे आप. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है सीक्वल टू कौन सी फिल्म? हाँ, एक था टाइगर, उसकी सीक्वल है, वो आएगी 22 दिसंबर को. उसके दोनों गाने रिलीज़ हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया हैं. सब ने बड़ा पसंद किया उन गानों को, और अब देखेंगे कि 22 दिसंबर को फिल्म लगेगी, उसकी क्या डेस्टिनी उस फिल्म की. अरे रुक जाओ भाई, बड़े ही अहम मेंबर हैं प्रेस के. अच्छा बस हो गए आपके सवालात? जी तीन सवालात बचे हैं. कब घर पे आके लेके जाओगे?
किसमें? अच्छा, हमें ये बात पता नहीं है भाई, शुक्रिया, आप फॉलो करते हैं जी। जी हाँ जी हाँ, कल ही कटरीना और मैं बिग बॉस पे थे तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है कि कुछ 50 मिलियन लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। स्वैग क्या है वो, स्वैग से स्वागत, और फिर एक दूसरा जो गाना है रोमांटिक जो गाना है वो भी दिखा दिया हमने बिग बॉस पे, उसका प्रीमियर कर दिया। अब वो देखें कि रोमांस कितना भरा है आप में कूट कूट के। हाँ It's good. It's always good to romance. It's not good to fight. It's always good to romance. जी हाँ जी हाँ, वातावरण मुझे सूट नहीं कर रहा आजकल, थोड़ा सा मुझे एक वायरल हो गया है जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा बिकॉज क्योंकि मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप मुझसे इतना बुलवा रहे हैं, समझे आप, और फिर एक समिट के लिए चला गया था, फिर इफ़ी के लिए चला गया था, फिर बिग बॉस सैटरडे संडे को होस्ट करना पड़ता है, और फिर टाइगर की डबिंग चल रही, तो वो मुझे एक रेस्ट नहीं मिला, जो कि अब इंशाल्लाह कुछ 4-5 घंटों का रेस्ट मिल जाए और आवाज़ ठीक हो जाएगी। तो इस आवाज़ से ज़्यादा यूज्ड मत होए आप, मेरी ओरिजिनल आवाज़ भूल ना जाए। जी हाँ, क्या करेंगे अब मेरे जन्मदिन। चलो ओके, बाय, टेक केयर। जी बिल्कुल, नॉमिनेटेड है और अभी सुरेश त्रिवेणी को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला, ये सुन के मैं नाच उठी, मैं गाड़ी में थी, पर आई एम सो सो थ्रिल्ड। हाँ सिद्धार्थ, दे वॉन्ट यू ऑल्सो हियर, प्लीज। गुड इवनिंग, किस पे? बहुत ही खुश है, आई हैव सीन द फिल्म, बट इट्स ग्रेट फन, आई हैव लव्ड द फिल्म एंड आई लव्ड विद्यास परफॉर्मेंस इन इट, आई थिंक इट्स वन ऑफ आवर बेस्ट। बहुत बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, वी आर ऑलरेडी वी बीन इन द थिएटर्स फॉर 2.5 वीक्स एंड वी आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, सो बहुत बहुत खुशी हो रही है। और घर से निकलते निकलते दंगल के अवार्ड्स के बारे में भी सुना, तो वी आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग। हम थोड़ी ना बताएंगे, मुझे नहीं पता, पर एक्टर सबसे अच्छा परफ्यूम यूज करते हैं। थैंक यू।